I'm from New York. Qutub Minar, wo Qutub Minar hai jo piche ja raha hu. Like the culture, the scenes, what's the history. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली और दिल्ली में घूमूंगा, वहाँ के मार्केट, वहाँ पे बाजार, कुतुब मीनार और भी जगह जाऊंगा जहाँ जहाँ जा सकता हूँ। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ ट्रेन में, आप देख सकते हैं, तो निकल गया दिल्ली के लिए, लेट्स गो गाइस। सुबह के 4:30 बज चुके हैं और हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं, तो अभी हम आगे जा रहे हैं, लेट्स गो। गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं चांदनी चौक के मेट्रो स्टेशन में। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है यहां पे टिकट के लिए, लाइनें लगी हैं, चार चार पांच पांच हर काउंटर पे लाइन है। तो फिलहाल मुझे अब टिकट मिल चुकी है, अब मैं वेट कर रहा हूं मेट्रो के लिए। मेट्रो आने वाली है थोड़ी देर में, तो अभी हम लेंगे मेट्रो का झूला, तो लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, जब तक आ रही है मेट्रो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से चैनल को शेयर करें। तो गाइस, स्टेशन से उतर के सबसे पहले मैं आया हूँ ओयो में। ओयो में अब लेंगे एक रूम, मैं दिखाता हूँ ये होटल कैसा है अंदर से। होटल का नाम है द रॉयल वेला, तो यहाँ से हम जाएंगे अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको जो मैंने रूम लिया है अभी किस तरह से है रूम मेरा अंदर से, लेट्स गो। तो गाइस, रूम में हमें जहाँ पे एक बेड मिल जाता है, एक टेबल और चेयर मिल जाती है, पंखा लगा ऊपर और एसी मिल जा रहा है यहाँ पे। ओवरऑल देखा जाए तो रूम तो काफ़ी अच्छा है। तो गाइस, अभी हमने ओयो में एक रूम बुक किया है, तो यहाँ पे हम 4-5 दिन रहेंगे, तो अच्छा रूम है वैसे। तो अभी देखते हैं आप आगे कहाँ जाते हैं। तो अभी हमने पहले खाना ऑर्डर किया, खाना खाएंगे फिर निकलेंगे घूमने के लिए, तो लेट्स गो। गाइस, अभी थोड़ा सा बाहर आया हूँ, कुछ खाना है देखा, उधर कचौड़ी बोलता है बहुत मशहूर है, देखता है कचौड़ी कितनी बना रहे हैं कचौड़ी। और इसके सामने ही मेट्रो स्टेशन है, चोरी बन चुकी है भैया की, भैया को पूछते हैं कैसी बनी है। भैया कैसा टेस्ट है? अच्छी बनी है। अच्छी बनी है और बहुत बढ़िया। क्या बात भैया, तो तुम्हारे बहुत बढ़िया, अब मैं भी खा के देखता हूँ। हमने कचौड़ी खा ली है, कचौड़ी तो काफ़ी अच्छी थी। अब हम टेस्ट करने वाले हैं दाल बाटी। दाल बाटी दिखाता हूँ मैं आपको, ये यहाँ पे बाटी बन रही है, दाल पतीले में है और कुछ इस तरह से डेकोरेट करते हैं। मेरे साथ संजीव भैया और गुरुदेव भैया हैं, हम टेस्ट करके देखेंगे कैसा बनता है, बाहर से भी दिखाता हूँ। अभी और ये दाल है इनकी चटनी वाली, भैया टेस्ट करने जा रहे हैं। भैया कैसे टेस्ट है? मस्त है, मैं ट्राई कर लो अब। ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ। गाइस, अभी हम सरोजनी मार्केट पहुंच चुके हैं। पहले तो हम जामुन ले रहे हैं, सामने ही सरोजनी मार्केट है, देखो कुछ इतना सा है।
वैसे अभी मैं करोल बाग पहुंच गया हूँ। सरोजनी मार्केट मुझे थोड़ा सा महंगा लगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे क्या रेट चल रहा है। गाइस अभी मैं डोमिनोज में आया हूँ। हमने एक पिज्जा ऑर्डर किया है, हमने अभी कॉम्बो में किया वेज में, जो हमें 104 का पड़ा। यहाँ पर 99 लिखा है 104 का पड़ा। अभी थोड़ी देर में ऑर्डर आ जाएगा। हमारा ऑर्डर रेडी है। मैं शॉपिंग करके वापस अपने होटल ओयो में आ चुका हूँ। अब हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो गाइस अभी मैं शॉपिंग करके वापस अपने रूम में आ गया हूँ। मेरा बैग, ये बैग भी वैसे मैंने शॉपिंग से ही लिया है, तो मैं दिखाता हूँ अभी मैंने क्या क्या शॉप किया है। एक्चुअली मैं गया था करोल बाग। अभी पहले तो मैं गया था सरोजनी मार्केट, वहाँ पर मुझे कुछ पसंद नहीं गया, बहुत सारी चीज़ें महंगी थी। फिर मैं करोल बाग गया, तो करोल बाग से कुछ चीज़ें लाइए मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या लिया आज। बहुत सारी शॉपिंग की है और भी फ्रेंड्स थे, अभी वो बाहर गए हैं तो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने ये चादर ली है, जो मुझे कुछ 350 की पड़ी है। ये डबल बेड की चादर है, बहुत ही कॉटन की है, तो मतलब काफ़ी सस्ते में पड़ी। और मैंने कुछ ये सामान लिया था, ट्राउज़र पैंट है जो मुझे 250 रुपये में पड़ी है। तो मतलब 250 उसने बोला था, मतलब बोल 350 रहा 250 रुपये कर रहा था, बट फिर उसको भी दीजिए थोड़ा कुर्ती का टैग लगा तो उसने 200 रुपये की, काफ़ी सस्ते में पड़ी है। ले लिया मैंने। और मैं दिखाता हूँ एक ये बॉटल है, काफ़ी अच्छी बॉटल लगी मुझे। मतलब मैंने 4 बॉटल लिए हैं, बॉक्स इस तरह से हैं, इस तरह से बॉक्स है। जब 50 रुपये की एक पड़ी है, तो 100 रुपये की दो दे रहा था, जब कुछ इस तरह से मैंने ये 4 लिए हैं। दो ये हैं और दो इसके अंदर हैं, ये रहे दो इसके अंदर है बॉटल से भरी। तो जब मुझे 50 रुपये पड़ी है, 4 मैंने ये ले ली और ये भी लिया मैंने। मसाजर है, ये मसाजर है, ऐसे जैसे बॉडी मसाज करो बड़ा अच्छा लगता है। ये मुझे कोई 100 रुपये का दिया उसने, 100 रुपये में ये मसाज मिला। मैंने ये दो मसाजर लिए थे, कहाँ गया मुझे दे रहा था, ये मैंने दो लिए हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं। और मैं ये भी दिखाता हूँ आपको, ये कुछ ट्राउज़र हैं जो मुझे 150-150 रुपये में मिले हैं। ये मैंने दो तीन दे दिए। और ये कुछ शर्ट्स हैं मैं दिखाता हूँ, ये शर्ट मुझे 200 रुपये में मिली है, काफ़ी अच्छी शर्ट हैं। जैसे मुझे शर्ट 200 रुपये की शर्ट, और ये शर्ट के अंदर है ये भी 200 रुपये में, 200 रुपये में ये मैंने 3 शर्ट ली हैं। ये 3 शर्ट है मेरी, और ये है, ये भी मेरी पैंट है, एक और पैंट थी मैंने रास्ते में जहाँ जा रहा जो मुझे पसंद आते जा रही थी वो मैं लेते जा रहा। ये पैंट है जो मुझे 250 रुपये में दी है, बहुत है ये थोड़ी बढ़िया है, तो उसके लिए 50 रुपये ज़्यादा लिए। एक ये लिया मैंने, और उसके बाद ये रहा एक और क्वालिटी, ये मैंने शूज़ लिए हैं, बहुत अच्छे नाइकी के हैं, ये ओरिजिनल है, ये हमने पता नहीं कैसे कंपनी से लेते हैं। ये उन्होंने लगभग मुझे कोई 700 रुपये में दिया, मुझे नाइकी के हैं, ये नाइकी का कोई नया है पता नहीं कौन सा है, पानी कौन सा था ना, मुझे डुप्लीकेट लग रहा है, बट 700 रुपये बढ़ा। बस इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैंने क्वालिटी चेक की, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। ये लिए मैंने, और कुछ सॉक्स वगैरह लिए मैंने, और सबसे अच्छी चीज़ ये मैंने जहाज लिए है। ये हेलीकॉप्टर है जो उड़ते हैं, जो मुझे 50-50 रुपये में पड़े हैं, जो 100 रुपये में दो पड़े हैं। ये मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह से उड़ते हैं। और ये वॉलेट लिया है मैंने 50 रुपये में, और ये एक गॉगल लिया मैंने 100 रुपये की। आता हूँ आपको कैसे लग रही है, 100 रुपये में मतलब बहुत ही सस्ता माल यहाँ पे करोल बाग में है। गाइस अभी हम जा रहे हैं कुतुब मीनार, तो हम लग कुतुब मीनार पहुंच चुके हैं। मेरे पास गुरजी भाई हैं, संजीव भाई भी है, हम तीनों जा रहे हैं। हेलो गाइस, हाउ आर यू, होप सी सब अच्छे ही होंगे। अभी हम आपको अंदर जाके दिखाते हैं कैसे है कुतुब मीनार। लेट्स गो गाइस। जहाँ पे टिकट काउंटर है, 40 रुपये की टिकट है एक बंदे की, फॉरन की अलग है। अब हम टिकट लेंगे। कुछ इस तरह से टिकट मिली है हमें, ऊपर लिखा है एक्लॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स
यहाँ पे एंट्री है हमारी, अब जहाँ से हम एंट्री करेंगे। पहुँच चुके हैं कुतुब मीनार के अंदर और कुछ इस तरह से है इसका व्यू, फ्रंट व्यू। और जिसकी हमें तलाश है वो रहा सामने, अब जो मैं पास से दिखाऊंगा। और जो कुछ इस तरह से ताजमहल सा बना है, ये क्या चीज़ है बताएंगे? अंकल से पूछते हैं। अंकल ये क्या चीज़ है? ये बड़े मस्जिद है, मस्जिद है मुगल टाइम की मस्जिद। और ये मस्जिद है मुगल टाइम की, एंड दैट्स द कुतुब मीनार। वो बोला गाइड ले सकते हैं आप, बट हम गाइड नहीं लेंगे, हम खुद ही गाइड हैं अपने आप में। बेशक पता नहीं है सब कुछ, बट हम खुद चलेंगे। गर्मी तो जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, कुतुब मीनार पहुँच चुका हूँ, धूप भी बीच में आ रही है बीच में जा रही है, तो काफ़ी ह्यूमिडिटी यहाँ पे है, टेम्परेचर बहुत ही ख़राब है यहाँ का। जम्मू में फिर बता अच्छा है टेम्परेचर यहाँ से, तो अभी आगे चलते हैं, लेट्स गो। अब इसमें एंट्री कर रहा हूँ मैं। ये पुराने ज़माने के बने गए हैं, ये कुछ मिट्टी के बने हुए हैं, ये काफ़ी पेड़ शेड़ है यहाँ पे। ये कुछ इस तरह से मीनार्स बने हैं छोटे छोटे, ये छोटी सी गैलरी है, गैलरी कैसी हो। एक तो गर्मी ने बुरा हाल किया यहाँ पे, आप देख सकते हैं कुतुब मीनार का व्यू। यहाँ पे साइडों में पार्क बने हुए हैं, अच्छे अच्छे पार्क हैं, काफ़ी घास फैला हुआ है यहाँ पे। हाय, मेरे पीछे ये कुछ है, मैं दिखाता हूँ ये क्या है। इस पर लिखा कुछ टॉम टूम लिखा है, मैं दिखाता हूँ, किसी का मकबरा होगा, लेट मी शो यू। फ्रेंड्स, ये जो मेरे सामने चीज़ है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखी है, अलाई मीनार। जो मतलब जो उसका नाम है, जो अलाउद्दीन खिलजी था 1296 से 1316 ईस्वी तक, ये उसके बारे में दिया गया है। चलो आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या है। ये थोड़ा इसमें इंग्लिश में है, अलाउद्दीन खिलजी। ये जो चीज़ है, ये मस्जिद बनाई जा रही थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, बट जब अलाउद्दीन खिलजी मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो ये काम वहीं पर रुक गया, इसलिए ये आधा अधूरा है। तो उसके बाद ये ऐसा का ऐसा ही है। गाइस, ये कुछ इस तरह से दिखता है। आई थिंक ये पूरी मस्जिद बननी थी, ये अधूरा रह गया। वो जो सामने दिख रहा है वो मस्जिद का आई थिंक सेंटर होता, ये होता, तो ये थोड़ा सामान है, मतलब आई थिंक ये कंप्लीट नहीं हो पाई। खिलजी की डेथ होगी तो उस वजह से ये पूरा नहीं कर पाए। बस सामने कुतुब मीनार है, यहाँ पर हम थोड़ी लेट पहुँचेंगे। हर जगह टूटा फूटा कुछ ना कुछ रखा हुआ। वैसे हिस्टोरियन का अच्छा है कि उन्होंने इस चीज़ को चेंज नहीं किया, हम जैसे लोगों को दिखाने के लिए रख दिया। गाइस, ये टॉम ऑफ इल्तुतमिश है, जिसको हमें प्रोनाउंस करने में भी तकलीफ हो रही है। वैसे टॉम इज अ पर्सन फ्रॉम यूएसए। सर, व्हाट इज योर नेम? आई एम जेम्स। James, where are you from? I'm from New York. New York? Yes. Did you like India? Yeah, so far so good. Of course. But it's very hot. Weather is too hot. What do you like most in India? The long culture, the history and everything. So, very old civilization. So, I really enjoy that. And there's so many religions and so many tribes, yes, and those kind of things. Well, diversity is across India is incredible. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Okay, sir. Bye-bye. Acha laga se milke. USA se, then New York se. Where are you from? New York. New York. See, so you're from New York. What do you like in the most in India? The food. The food. What about the weather? Not as much as the food. Actually, what's your name? Luna. She's Luna, and the weather is. I didn't so she like the weather, but she like the food of India. Anything? What you like rather than food? Um,
just started. Yeah, I've just been here for a day. Oh, nice to meet you. The sights, definitely. Bye-bye. Bye. Thanks. कुतुब मीनार। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम आ चुके हैं कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार वो कुतुब मीनार है जो बहुत ही पहले ईस्वी में बना था, और मैंने डेट याद नहीं की, डेट दिखा के आपको बताऊंगा। तो आज हम आ चुके हैं यहाँ पे। होप कि आपको सबको अच्छा लग रहा होगा। मेरा फोन बज रहा है, मैं फोन देख लेता हूँ। कंटिन्यू चले थे। वैसे मैं आपको खिलजी का मदरसा दिखाता हूँ। ये कुछ है खिलजी का मदरसा। ये कबूतर है यहाँ के अंदर। और ये रहा हमारे सामने कुतुब मीनार। थोड़ा सा और इंतजार, हम पास से भी दिखाएंगे क्या है इसके आसपास। तो गाइस, लगभग मैं कुतुब मीनार के और नजदीक आ रहा हूँ। बस थोड़ा सा इंतजार, पहले हम जाएंगे यहाँ पे। अभी थोड़े फॉरेन जुड़े हैं, मैं फॉरेनर हैं, मैं पूछता हूँ कहाँ से है। वेरी फ्रॉम न्यूजीलैंड। शी इज फ्रॉम द न्यूजीलैंड। व्हाट इज नेम? सिमान। एंड व्हाट इज नेम? कसंद्रा। डू यू लाइक इन इंडिया? या। व्हाट डू यू मोस्ट लाइक इन इंडिया? आई लाइक द कल्चर, द सीन्स, द हिस्ट्री, रिलीजन। या, ब्यूटीफुल। एंड इन इंडिया वेयर यू फ्रॉम? वी आर गोइंग आगरा, It's the place of mountains. Yeah, snow falls after. And I have a worry about the weather here. Did you like the weather or hot. It's too hot? It's hot. At home it's cold. At home, negative 4. Yeah. Oh, okay. Now 30. How much temperature is going to come? Negative 4 degrees. Negative 4? Yeah, 4. In the morning and then high of 9. Actually, in the Kashmir, it's also... Yeah, cold. Nighttime, it's also the maddest, and in the... near the place, it's also in the minus 30, minus 50. I'm also feeling too hot. Yeah. 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 Okay, thank you. Thank you. Nice to meet you. Have a good day. Guys, अब यहाँ पे है, ये रहा कुतुब मीनार। ये कुतुब मीनार का गेट है। वैसे गेट बंद कर दिया उन्होंने, अंदर नहीं जाने थे, पहले जाने देते थे, आजकल नहीं जाने देते। ये रहा कुतुब मीनार, इसके पास मैं पहुंच रहा हूं। वाइड एंगल से दिखाता हूं आपको, और ये वॉर नेक्स से। ये रहा इसका पाँव, और ऊपर से जाता हूं मैं, दिखाता हूं आपको ऊपर से। ओहो, काफ़ी टॉप है ये। गाइस, कुतुब मीनार मैं घूम चुका हूँ, अब मैं कहीं और जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ जाता हूँ। तो यहाँ से निकल रहा हूँ, तो मिलेंगे आपको नई जगह के साथ। टस्को चलेगी अब। ओ तेरी गोली, क्या बात है भाई। इस गोली को आप क्या बोलते हो? बाटा गोली। कौन सी गोली है? बाटा गोली। अब हम बाटा गोली पियेंगे, ये गोली सीधा पेड़ में जाएगी।
अभी मैं लाल किले के पास पहुंचा था तो इसका गेट एंट्री बंद है अभी, बोल रहा कि 15 अगस्त के बाद खुलेगा। तो अभी मैं ये अंदर से नहीं दिखा सकता आपको, इसलिए बाहर से दिखा देता थोड़ा सा किस तरह से। एक्चुअली मैं बाहर से हूँ अभी। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को एंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वेट करें नए वीडियो का। बाय।